सिद्धार्थनगर जिले में ऑपरेशन कवच के तहत बॉर्डर सुरक्षा के लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आईजी जोन अखिल कुमार यू, डीआईजी आरके भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में यू जिले के एसपी व एसएसपी के कमांडेंट शामिल हुए। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग यू नेतागण शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बॉर्डर सुरक्षा को लेकर चर्चा की गई। यू एडीजी जोन द्वारा सभी को सुरक्षा को लेकर जानकारियां दी गई। इस दौरान मौजूद एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार ने कहा कि ऑपरेशन कवच पूरे उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल बॉर्डर के क्षेत्रों में चलाया जा रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बॉर्डर सुरक्षा को लेकर कैसे लोगों को जागरूक किया जाए और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमा सुरक्षा को लेकर जो बॉर्डर के विकास को लेकर सूचनाएं बनाई गई है जिसका क्रियान्वयन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन जो सीमा पर 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर बनाई गई है। सिद्धार्थनगर में कुल 437 गांव में पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा समितियां बनाई गई हैं और जिनके साथ आज बैठक की गई है। ऑपरेशन कवच पूरे उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा के निर्देश पर लागू की गई है, जिसके तहत मुख्य उद्देश्य है कि हम सीमावर्ती क्षेत्रों में हम अपने नागरिकों को कैसे सीमा सुरक्षा से जोड़ें। इसमें सुरक्षा विषय योजनाएँ बनाई गई हैं, इसका क्रियान्वयन आज उस योजना का एक मुख्य बिंदु है ग्राम सुरक्षा समितियों का गठन, जो सीमा में केवल 10 किलोमीटर के अंतर्गत कुछ गाँव पर है। सिद्धार्थनगर में 437 गांव हैं, सभी गांवों में पुलिस अधीक्षक ने सीमा सुरक्षा समितियों का गठन किया है और उन सभी सीमा सुरक्षा समिति के सदस्य जो प्रमुख अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक की गई है और इस योजना में हम नागरिकों को सीमा क्षेत्रों में सूचना संकलन से जोड़े ताकि सीमा क्षेत्र में कोई भी अवैध अवांछनीय गतिविधियाँ हो रही हैं उसके बारे में नागरिक सूचना संकलित करते हुए हमसे जुड़े, सीमा सशस्त्र बल से जुड़े, हमारी एजेंसी से जुड़े और जहां एजेंसीज ऑलरेडी अच्छा काम कर रही हैं उसमें नागरिकों का बल मिल जाएगा तो एज ए फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा और बेहतर ढंग से हम अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखें।